शाम के 4 बज रहे थे। ससुर कामता प्रसाद अपनी बहू निराली के पास फोन लगाकर कहने लगा, बहू प्लीज तुम जल्दी से मायके से वापस अपने घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब हमारा मन नहीं लग रहा है। तभी उसकी बहू निराली बोली कि आप बताएं ससुर जी, तुम्हारे बिना मन तो हमारा भी नहीं लग रहा है, मगर क्या करूं, पापा की तबीयत ठीक होने तक मम्मी मुझे जाने ही नहीं दे रही है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। जिसके बाद उसका ससुर कामता प्रसाद कहने लगा, अगर ऐसी बात है बहू तो तुम कहो, तो मैं वहीं पर आकर तुमसे मिल लेता हूँ, क्योंकि अब हमारी रातें तुम्हारे बिना काटे नहीं कट रही है। ससुर की ऐसी बातों को सुनकर उसकी बहू निराली भी मन मस्त हो गई और बोली, ठीक है ससुर जी तुम आओ, मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ रास्ता ढूंढती हूँ। जवान खूबसूरत बहू के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर ससुर कामता प्रसाद अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया और तुरंत देर न करते हुए साइकिल पर सवार होकर अपनी बहू के मायके यानी बेटे के ससुराल पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब जैसे ही ससुर कामता प्रसाद अपनी बहू से मिलने के लिए उसके मायके यानी अपने बेटे के ससुराल पहुंचा, तो वैसे ही उसकी बहू निराली उसे देखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गई और खुश होकर तुरंत उसकी सेवा सत्कार में जुट गई। कुछ देर सेवा सत्कार करने के बाद जब वे शांत हुई तो वापस कमरे में आकर रात होने का इंतजार करने लगी। अब जैसे ही धीरे धीरे समय बीता और रात हुई, परिवार वाले खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर आकर सोए, तो वैसे ही मौका देखकर बहू निराली सच सवर कर दबे पांव अपने ससुर के पास पहुंच गई और बगल में लेटकर उसका बिस्तर गर्म करने लगी। काफी दिनों बाद ससुर और बहू एक साथ मिलकर 61-62 गेम खेल रहे थे, इसलिए दोनों ने अपना होश खो दिया और जोर जोर से कामुक भरी आवाजें निकालते हुए धक्के पर धक्का और छक्के पर छक्का मारने लगे। तभी अचानक आवाजें सुनकर बगल के रूम में सो रही निराली की छोटी बहन अंजलि की आंख खुल गई। अब जैसे ही निराली की छोटी बहन अंजलि की आंख खुली और बगल के रूम में जाकर वे अंदर का नजारा खिड़की के हॉल से झांक कर देखी, तो देखते ही वह तुरंत बेकाबू हो गई। उसने देखा कि हमारी बहन अपने ही ससुर कामता प्रसाद के साथ 61-62 प्रोग्राम कर रही है। बड़ी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसकी छोटी बहन अंजलि का भी मन डोल गया और वह तुरंत वहां से हटकर अपनी बड़ी बहन निराली के बिस्तर पर जाने की इंतजार करने लगी। अब जैसे ही निराली अपने ससुर कामता प्रसाद से मिलकर शांत हुई और अपने बिस्तर पर गई, तो वैसे ही मौका देकर उसकी छोटी बहन अंजलि उसके ससुर कामता प्रसाद के पास पहुँच गयी और अंधेरे रूम का फायदा उठाकर बड़ी बहन के ससुर कामता प्रसाद के बिस्तर पर लटकर उसी नागिन की तरह लिपट गई। कमरे में अंधेरा था, ससुर कामता प्रसाद देख नहीं पाया कि हमारी बहू है या उसकी छोटी बहन। वे अंधेरे रूम में बहू की छोटी बहन को बहू समझकर 61-62 करने लगा। अंजलि अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखी ही थी कि उसे अपनी बड़ी बहन के ससुर के साथ 61-62 गेम खेलने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे वैसे अंजलि को अपनी बहन के ससुर कामता प्रसाद के साथ 61-62 गेम खेलने में बहुत आनंद आने लगा। मगर इसी बीच अंजलि की बड़ी बहन निराली फिर से अपने ससुर के साथ हम बिस्तर होने के लिए वहां पर पहुंच गई और ससुर को छोटी बहन अंजलि के साथ 61-62 करते हुए आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ससुर कामता प्रसाद को छोटी बहन के साथ इस अवस्था में देख कर वह गुस्से से क्रोधित हो गयी और तुरंत अपने ससुर और छोटी बहन को डांटने लगी। कुछ देर डांट फटकार लगाने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वैसे ही वे अपनी बहन अंजलि को लेकर वहां से वापस अपने बिस्तर पर चली आई और लेटकर सो गई। जब सुबह हुआ तो निराली का ससुर भी वहां से वापस अपने घर चला आया। तो दोस्तों आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।